नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। दिखाएंगे फटाफट अंदाज में आपको 100 शहर 100 खबर। पटना विधानसभा के बाहर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों का प्रदर्शन। सरकार पर महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों और हितों की अनदेखी करने का आरोप। आरजेडी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। जेडीयू ने की एमएलसी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पटना से वाल्मीकि सिंह, नवादा से सलमान राकिब को टिकट। 24 में से 11 सीटों पर लड़ रही है जेडीयू। बिहार के पूर्ण शराबबंदी मॉडल का राजस्थान भी हुआ मुरीद। राजस्थान में भी लागू होगा बिहारी मॉडल कानून को समझने के लिए पटना पहुंची टीम। अल्पसंख्यकों को लेकर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान। कहा, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो जिहादी मानसिकता के इस्लामिक स्टेट के लोग हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया तेजस्विनी अध्ययन केंद्र का शुभारंभ। 12 से 24 साल की किशोरियों से संवाद किया। तेजस्विनी अध्ययन केंद्र में शिक्षा के साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही वेल में उतरे बीजेपी विधायक। बालू और पत्थर के अवैध उत्खनन को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। लोहरदगा में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के साथ मारपीट के बाद दुष्कर्म किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई। एक आरोपी की तलाश जारी। चतरा के तंडवा में एनटीपीसी परिसर में भूमि रहतों और ग्रामीणों के बीच पथराव की घटना। 27 पुलिसकर्मी हुए घायल। गंभीर रूप से 7 जवानों का इलाज रांची में जारी है। औरंगाबाद कोर्ट परिसर में स्थित कल्याण विभाग में तैनात क्लर्क अमरीश राम पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शिकंजा कसा। पलामू में पड़वा थाना में के एएसआई मुन्नालाल जामुदा को एएसबी की टीम ने घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुष्कर एसडीएम सुखाराम का रीडर ट्रैप हुआ। एसीबी ने 36,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। राजस्व मुकदमे में स्टे लगाने के लिए ये घूस मांग रहा था। मधुबनी के मध्यपुर प्रखंड में इंटर का फर्जी मार्कशीट लगाकर बहाल हुई शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 17 साल से नौकरी कर रही। बिहार कैडर के 71 आईपीएस को कारण बताओ नोटिस जारी। गृह विभाग ने जारी किया नोटिस। संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करने का मामला है। 28 फरवरी तक देना था ब्यौरा। समय गुजरने तक 71 आईपीएस ने नहीं जमा किया संपत्ति का ब्यौरा। नवादा मंडल कारा के अधीक्षक अभिषेक कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। विचाराधीन बंदी गुड्डू सिंह की मौत से जुड़ा मामला है। 6 सितंबर को बंदी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। सिवा ने पंखे से लटका मिला पशु चिकित्सक का शव। पारिवारिक कलह के कारण खुदकुशी की आशंका। हत्या या आत्महत्या के एंगल में तफ्तीश में जुटी पुलिस। बांका में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। 385 बोतल मसालेदार देसी शराब को बरामद किया। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने होम डिलीवरी करते हुए एक बॉय को गिरफ्तार कर लिया है शराब के साथ। आरोपी धंधेबाज बाइक के साथ होम डिलीवरी कर रहा था शराब। भोजपुर में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन थाना अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह पर आर्थिक अपराध इकाई ने शिकंजा कसा। बालू माफियाओं से मिलकर संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जमशेदपुर में नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। एसएसपी ने खुद संभाली कमान। 12 से ज्यादा नशेड़ी हिरासत में लिए गए। आरोपियों से नशे का सामान भी बरामद। मुजफ्फरपुर में आग का कहर। पेंट की दुकान में अचानक लगी आग। मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान। अररिया में पेड़ की डाल से गिरने के कारण युवक की हुई मौत। ग्रामीणों ने गुस्से में आकर झोपड़ियों में आग लगा दी। पटना के बादीपुर गांव के पास तेज रफ्तार हाईवे ने बस में मारी टक्कर। बस में सवार कई यात्री हुए जख्मी। 4 की हालत अभी गंभीर है। मौके से चालक हुआ फरार। बेतिया में सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल जिनमें 3 की हालत चिंताजनक। मुंगेर में मोटरसाइकिल और साइकिल में टक्कर। 2 शख्स की हालत गंभीर। इलाज जारी। भरतपुर में आवारा सांडों का आतंक। सफाईकर्मी को उठाकर फेंका। गंभीर रूप से हुआ घायल। जमशेदपुर में टाटा की परीक्षा के दौरान 8 लोग गिरफ्तार। दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर दे रहे थे परीक्षा। यूपी और बिहार से परीक्षा देने के लिए बुलाए गए थे। दुमका नगर थाना क्षेत्र के दुधानी चौक पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए मवेशी से लदा हुआ एक पिकअप वैन को जब्त कर लिया। कैमूर में बालू लदा 52 ओवरलोडेड गाड़ियों को जब्त किया गया। एसडीएम और डीएसपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। गिरिडीह में लीज की अवधि खत्म होने के बाद पत्थर खदान का संचालन हो रहा है। पोकलेन हाईवा चालक के साथ खदान संचालक पर केस दर्ज। मौके पर विस्फोटक भी बरामद हुआ। जामताड़ा में बराकर नदी से पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
पटना सिटी के हाजीगंज में एक रात में चार दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरी की घटनाओं के कारण दुकानदारों में आक्रोश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का असर बिहार विधानसभा में भी देखने को मिला। विधानसभा के प्रांगण में सभी पार्टियों के महिलाओं के विधायकों ने महिला विधायकों ने बिहार में पंचायती राज की तरह आरक्षण देने की मांग की। महिलाओं के जिम्मे रहा बिहार में एयरपोर्ट। गया और पटना एयरपोर्ट की कमान महिलाओं ने संभाली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर सिक्योरिटी तक जिम्मेदारी दी गई। महिला दिवस के मौके पर रांची से टोरी ट्रेन का परिचालन महिला लोको पायलट ने किया। वहीं ट्रेन में बाकी स्टाफ भी महिला ही रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने महिलाओं को सम्मानित किया। राजस्थान की बतूल बेगम को मिला नारी शक्ति पुरस्कार। मांड और भजन गायन को दिलाई दुनिया भर में पहचान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मधुबनी में डॉक्टर दंपति ने एक मिसाल पेश की। अपनी बेटी को चांद पर एक एकड़ जमीन खरीद कर गिफ्ट की। महिला दिवस के मौके पर पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में रहा। टिकट काउंटर से लेकर जीआरपी तक महिला कर्मचारियों की तैनाती दिखाई दी। महिला दिवस के मौके पर बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर होके विधानसभा पहुंची। देवघर कलेक्ट्रेट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों को दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसे कई कुप्रथाओं को लेकर समाज से उखाड़ने की शपथ दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इनरविल क्लब ऑफ देवघर की ओर से महिलाओं ने साइकिल रैली और पद यात्रा निकाली। दहेज जैसी कुरीतियों को समाज से मिटाने का संकल्प लिया। खूंटी में पहली बार गांव की लड़की बनी बस की कंडक्टर। अंजलि कुमारी शक्तिपुंज बस में कंडक्टर का काम कर रही है। सिमडेगा के एस्ट्रोस्टफ स्टेडियम में महिला दिवस के मौके पर झारखंड और तमिलनाडु महिला हॉकी टीम के बीच एग्जीबिशन मैच का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छपरा के एकता भवन में जिला प्रशासन ने महिलाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन और भ्रूण हत्या जैसी कई सामाजिक बुराइयों को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हजारीबाग सेवा केंद्र की ओर से महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शिव वाटिका में बीजेपी देवघर महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मधुबनी में भी महिला दिवस को लेकर वाटसन स्कूल में कार्यक्रम आयोजित। डीडीसी विशाल राज ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट सभागार में महावारी प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। महावारी स्वच्छता को लेकर इस दौरान जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सुपौल जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया। डीएम बिंदु भूषण चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और के मौके पर सूर्या सुपर स्पेशलिस्ट ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सूर्या सुपर स्पेशलिस्ट ट्रस्ट के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने रक्तदान कर 40 यूनिट का रक्त दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गया में भी महिलाओं को सम्मान दिया गया। डाक विभाग में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी का सम्मान किया गया है। जामताड़ा में नारी शक्ति संगठन द्वारा आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गोपालगंज में कई कार्यक्रम आयोजित। शहर के अंबेडकर भवन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई महिलाओं को सम्मान दिया गया। बाढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड की जीविका दीदियों सहित महिलाओं ने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुंगेर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का धरना हुआ। 1400 मांग को लेकर यह धरना दिया गया। लखीसराय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सेविका सहायिका ने अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किशनगंज के अंबेडकर टाउन हॉल में जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। वहीं कार्यक्रम के बाहर 20 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी महिला कर्मियों ने विरोध जताया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मधुबनी में हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती जैसी कई घटनाओं को लेकर 25 फरवरी को नाबालिग लड़की के साथ रेप भी हुआ था। इसको लेकर सड़क पर लाखों लोगों ने रैली निकाली। भोजन वर्दी सहित विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड के चतुर्थ वर्ग के कर्मियों ने पुलिस के जवानों ने आज से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। जिले में अलग अलग जगहों पर एक ही रात में 4 हत्याओं को अंजाम दिया गया।
सुपौल में किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लक्ष्मण कुमार झा ने 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय महापंचायत के माध्यम से धरना दिया। यूपी में इतिहास बनाने जा रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे। 2017 के बाद 2022 में भी बीजेपी की सरकार आ रही है। 223 से 248 सीटें जीतने का अनुमान है। 157 सीटों पर सिमट सकती है सपा। लातेहार में सीआरपीएफ 214 बटालियन के डोमाखाड़ में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। ग्रामीणों का मुफ्त इलाज और निशुल्क दवा दी गई। रांची विश्वविद्यालय में छात्र संगठन चुनाव के अलावा सर्वोच्च सदन सीनेट की बैठक जल्द आयोजित की जाएगी। इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने राजभवन से मंतव्य मांगा। रामगढ़ के भुरकुंडा में जीबीहार झारखंड की खबर का असर। फीस नहीं भरने पर बच्चों को परीक्षा से वंचित किया गया था। खबर चलाने के बाद सक्रिय हुआ स्कूल का प्रबंधन। बच्चों को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई। रेल महाप्रबंधक अनूप शर्मा ने धनबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। हाई स्पीड ट्रेनों में डिवाइस लगाए जाने की जानकारी दी। हजारीबाग के नगर भवन में सीएससी की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। धनबाद में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। गांधी सेवा सदन के पास शौचालय की टंकी बनाने का विरोध किया गया। सूचना मिलने के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, काम को रुकवाया। बाढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत एक दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 के जरिए गैस सप्लाई में कटौती करने की धमकी। ज़ेलेंस्की आज ब्रिटेन की संसद को संबोधित करेंगे। कहा, यूक्रेन में हर मौत का जिम्मेदार रूस है, हम जीतेंगे। नेटो देशों की यूक्रेन को NLAW ग्रेनेड लॉन्चर की सप्लाई। नेटो प्रमुख ने कहा, यूक्रेन में हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक करीब 18,000 भारतीयों की वापसी। सुमे से करीब 700 भारतीय पोल्टावा के लिए रवाना। रूस के साथ युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की का नया बयान। अब जिंदगी के बारे में सोचने का समय। हमें उनके बारे में सोचना है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। कीव में सीज फायर का दूसरा दिन। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। युद्ध में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का रूस ने किया दावा। रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 48 विमान 80 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन का दावा। यूक्रेन से अब तक 20 लाख लोगों का पलायन। रूस यूक्रेन युद्ध का 13वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले हुए। शहर के शहर तबाह हुए। जंग से भी भारी तबाही। सुमी में रूसी सेना के हमले से भारी नुकसान हुआ। कई इमारतें तबाह हुई। हर ओर दिखाई दिया तबाही का मंजर। यूक्रेन के निकोलेव में रूसी सेना ने हमला तेज किया। ड्रोन अटैक से भारी नुकसान हुआ। कई गाड़ियां हुई तबाह। यूक्रेन में मिले 30 जैविक लैब यूएस सेना के सहयोग से। यूक्रेन में बने जैविक लैब रूस की सेना ने दावा किया। यूक्रेन के शहरों में कब्जे की रूस की तैयारी लगातार आगे बढ़ रही है। रूसी सैनिक सड़कों पर दिखे रूसी सेना के टैंक। रूसी सैनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर से रात में कर रहे हैं पेट्रोलिंग। यूक्रेन के तोपखानों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। रूसी रक्षा विभाग ने जारी किया यह वीडियो। यूक्रेन के जाइटोमर में रूसी सेना का एयर स्ट्राइक। तेल डिपो को जला दिया और तबाह कर दिया। यूक्रेन पर रूसी सैनिकों की बमबारी जारी है। खारकीव के रिहायशी इलाकों में मिसाइल से किया गया हमला। हमले से ध्वस्त हुई बिल्डिंग। सुमी में रिहायशी इलाकों में हवाई हमले। एक मकान बुरी तरह से जलकर हुआ खाक। तस्वीरें आई सामने। कीव में यूक्रेन की सेना ने मार गिराया रूसी प्लेन। जाइटोमर हाईवे के करीब गिरा रूसी लड़ाकुओं का यह विमान। रूस के हर हमले का सामना करने का तैयार है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के पोप्सना सिटी में वॉर रूम में तैयारी का वीडियो सामने आया। ओख्तिरका में हमलों में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन के इजियम में जबरदस्त हमला। हमले के बाद पुलिस स्टेशन तबाह हुए पूरी तरह से। निकोलेव में हथियारों के गोदाम पर रूसी सैनिकों का हमला। यूक्रेन सेना को भारी नुकसान हुआ। रूसी सेना ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन के लवीव में कैथेड्रल से ये हटाई गई है। जीसस की मूर्ति हवाई हमले से बचाने के लिए बंकर में मूर्ति को शिफ्ट कर दिया गया। युद्ध में मारे गए पुतिन के जनरल। यूक्रेन की सेना ने मेजर जनरल विताली गेरासिमोव को मार गिराया। हवाई हमले से दहला सुमी। हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। मलबे में तब्दील हुई इमारतें। यूक्रेन के मारियोपोल में घुसे रूस के सैनिक।
सड़कों पर गश्त करते नजर आए रूसी के सैनिक। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, बख्तरबंद गाड़ियों में नजर आ रहे हैं रूसी सैनिक। रूस ने यूक्रेन के निकोलेव शहर में हमला किया, सशस्त्र बलों के गोदाम को निशाना बनाया, गोदाम में आग लगी। कीव के इरपिन शहर में रूसी सेना का हवाई हमला जारी है, जान बचाने के लिए लोग शेल्टर होम की तरफ भागे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा, बाइडेन कुछ और कर सकते हैं और उन्हें यह यकीन है, आज यूक्रेन, कल लिथुआनिया, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी में भी ऐसा हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा दावा, कहा मैं किसी से छिप नहीं रहा, इस वक्त कीव के अपने ऑफिस में हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विश्व बैंक ने भेजी मदद, यूक्रेन को 700 मिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद भेजी गई, आपातकालीन सेवाओं को जारी रखने के लिए मदद भेजी गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।